गाइस तो कैसे आप लोग आई होप कि आप लोग काफी मस्त एंड काफी ज्यादा हैप्पी होंगे। एंड सबसे पहले आप लोग ने एक बार इस वालों को देख ली। चीरपुर का जंगल अपनी खूबसूरती और जंगल के जानवरों की एकता के लिए जाना जाता था। जंगल में चीता, बाघ, बगुला, कौवा, बंदर, हाथी जैसे और भी जानवर रहा करते थे और सभी जंगल के जानवर खुश थे, किसी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। एक रोज चीरपुर के जंगल में बकरी अपने दोनों बच्चों टीना और मीना के साथ घास चर रही होती है। तभी टीना और मीना अपनी माँ से कहती है, तो गाइस अब भी आप लोग जो भी एनिमल कार्टून को देखेंगे ना मेरे भाई, मैं आपको अपने स्मार्टफोन से इसी टाइप से गाइस मैं आपको कार्टून बनाकर सिखाऊंगा। तो गाइस अगर आपको भी एनिमल कार्टून रिलेट करना सबसे आसान तरीके में सीखना, तो बस आप लोग एक बार इस वीडियो को सुनते लेकिन लास्ट तक देख लीजिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करते हुए। सो गाइस तो इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग सीखने वाले हैं कि एनिमल कार्टून को मेरे लोग कैसे बनाते हैं। तो गाइस अगर आपको भी एनिमल कार्टून एडिट करना सबसे आसान तरीके में सीखना, तो बस आप लोग एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। एंड गाइस मैं आपको हर चीज बताऊंगा कि कैसे गाइस आप लोग एनिमल कार्टून अपने स्मार्टफोन से बनाएंगे। तो सिंपली गाइस आप लोगों को एनिमल कार्टून को बनाने के लिए क्या चाहिए और क्या करना चाहिए आपको हर चीज बताऊंगा इस वाले वीडियोस के अंदर। तो गाइस आप लोगों को पता है ना कि किसी भी कार्टून को बनाने से पहले ना एक कहानी की आवश्यकता होती है। तो गाइस अभी मुझे कोई कहानी नहीं पता है, तो गाइस हम लोग हर चीज ऑनलाइन करेंगे। तो आप भी ऑनलाइन कैसे करेंगे मैं आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। तो सिंपली गाइस आप लोग इस तरीके से कीजिएगा मोबाइल टॉक को ऑन, तो गाइस आप लोग इतना काम तो कर सकते हैं। और गाइस यहां से आप लोग इस तरीके से कर लीजिएगा गूगल को आप लोग इस तरीके से ओपन, तो गाइस आप लोग इतना काम तो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सर्च बार में करना है क्लिक, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है चैट और यहाँ पे लिखना है GPT और लिखना है डॉट और यहाँ पे लिखना है इस तरीके से कॉम। तो आप लोग ऊपर एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको करना है इस तरीके से सर्च। तो गाइस जैसे कि करेंगे आप लोग सर्च तो आपके सामने यहाँ पे अभी एक पेज ओपन होगा जिसको आप लोग अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा। तो अभी गाइस मेरा पेज ओपन इस तरीके से हो चुका है। तो गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जिस भी टाइप का कहानी चाहिए आप लोग गाइस यहाँ से इजीली ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कहानी को अभी लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ एक शेर, यहाँ पे लिखता हूँ एक शेर और यहाँ पे बकरी की कहानी, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे बकरी की इस तरीके से और कहानी लिख लेंगे, लिखेंगे फिर से इन और फिर से लिखेंगे हिंदी, फिर से गाइस लिख लेंगे इन और यहाँ पे लिखेंगे 100 वर्ड्स इस तरीके से करके। तो गाइस अगर आपको छोटा करना चाहिए तो आप लोग 100 वर्ड्स का यूज कीजिएगा, अगर आपको लंबा करना चाहिए तो आप लोग 1000 वर्ड्स का यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 1000 वर्ड्स भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आपको जितना भी लंबा कहानी चाहिए गाइस आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 100 वर्ड्स का ही चाहिए, ठीक है, तो इतना काम तो कर लेंगे। और गाइस करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से करके वर्ड्स इस तरीके से लिख लेंगे। तो एक बार आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए कि इसी तरीके से आपको करके लिखना है कहानी, तभी जाके आपके सामने एक अच्छा कहानी क्रिएट होके आएगा। और गाइस अब आपको करना है कि आपको यहाँ पे तीर वाली आइकन पे करना है इस तरीके से क्लिक। तो अभी आपके सामने यहाँ पे एक बहुत ही शानदार मेरे भाई लोग कहानी क्रिएट होके आ जाएगा, जिसको अभी आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छे तरीके से कि मेरी कहानी में क्या या आर्ट में आप भी इस तरीके से कहानी को कैसे गाइस ले सकते हैं। तो गाइस मेरे भाई लोग अभी आप लोग देखते हैं कि मेरे सामने ये मेरा कहानी की रोटो की आ चुका है। तो देखिए मेरे कहानी में क्या है, यहाँ पे देखिए एक जंगल में एक शेर और एक बकरी रहते थे। शेर हमेशा सोचता था कि वह सबसे शक्तिशाली है। तो मेरे पास तो एक कहानी आ चुका है। तो गाइस अगर आप लोग इसको अपने वॉइस में रीड करेंगे तो काफी बेहतर होगा, लेकिन अगर आप लोग यही सभी कहना चाहेंगे तो क्या कीजिएगा, यहाँ से इस तरीके से कीजिएगा कॉपी। कॉपी तो आप लोग कर लेंगे और आपको अब करना क्या है आपको सबसे आसान तरीके बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से आइएगा कट और यहाँ पे गाइस आपको जो भी चीज मैं बताऊंगा आप लोग अच्छे से उसी चीज का सर्च कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है वॉइस, वॉइस तो आपको लिख लेना है, फिर से लिखना है मेकर, इस तरीके से करके आपको मेकर लिखना है, ठीक है, इस तरीके से करिए। तो देखिए यहाँ पे आ ही चुका है, तो इस पर करेंगे क्लिक। तो हमारे सामने यहाँ पे अभी एक पेज गाइस ओपन होके आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस आपको जैसे कि मैं बताऊंगा बस आप लोग उसी टाइप से कीजिए, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे करना है
इस वाले वेबसाइट पे क्लिक एक बार आप लोग कर लेंगे यहाँ पे क्लिक तो काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से करेंगे क्लिक। देखिए कहानी को रीड करना कितना आसान है अपने स्मार्टफोन से। आप लोग अगर मोबाइल से सीख जाएंगे ना तो आप लोग पीसी लैपटॉप से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल से ही सीखिएगा, तब जाके आप लोग पीसी और लैपटॉप से बना पाइएगा। तो देखिए आप लोग मतलब कि अच्छे से, और यहाँ पे मेरे सामने एक पेज ओपन इस तरीके से करके हो चुका है। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस कहानी को हम लोग यहाँ से हटाएंगे। पहले से किया हूँ तो इसको हटा लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो आप लोग बस अच्छे से अगर वीडियो को देखते ना तो मैं आपको हर चीज़ बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि आखिर काइट मोड उसको मेरे लोग हम लोग कैसे बनाएंगे अपने स्मार्टफोन से। ठीक है, तो बस इसको हटाएंगे इस तरीके से करके, हटा लिए हम। आप गाइस आप जिस भी कहानी को अभी कॉपी किए हैं उस वाले कहानी की यहाँ पे इस तरीके से करना है टच, और यहाँ पे करना है पेस्ट इस तरीके से। तो मेरा कहानी आ चुका है जिस कहानी को हम लोग नाम मतलब कि यहाँ पे कॉपी किए थे। ठीक है, आप गाइस आपको करने का, आपको यहाँ पे मिल गया चेंज का ऑप्शन, तो करिएगा आप लोग चेंज पे क्लिक। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ अच्छे से समझना होगा जिससे कि आप लोग जाके अपने कहानी को मतलब कि अपने वॉइस को अच्छे आप लोग एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको करने का आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे पहले बार मतलब कि लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप लोग फर्स्ट बार ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको हिंदी लिख मतलब कि इंग्लिश लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है क्लिक, और यहाँ पे आपको हिंदी लिख लिखे और अपने मतलब कि हिंदी आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा कि जो कि आपका वॉइस ना हो हिंदी में हो। ठीक है, तो इससे आप लोग इतना समझ गए होंगे हिंदी आपको यहाँ पे करना है। अब जैसे आप लोग थोड़ा सा नीचे के करीब आइएगा इस तरीके से करिए तो आपको यहाँ पे बहुत ही सारा वॉइस देखने को मिलेगा। तो जो भी आपको अच्छा वॉइस लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं विक्रम का करता हूँ इस तरीके से करके। यहाँ पे मेल है तो यहाँ पे करेंगे, और सिंपली थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे करेंगे हम लोग सबमिट पे क्लिक। तो करेंगे सबमिट पे क्लिक। अब गाइस हम क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा भी यहाँ पे छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं तो आपका आवाज़ खराब हो जाएगा। ठीक है, तो छेड़छाड़ गाइस हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे और नीचे करेंगे यहाँ पे क्लिक। देखिए यहाँ पे आपको करना है क्लिक, तो आपको यहाँ पे डन गाइस करना है एक बार क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार इस तरीके से करते हैं क्लिक, और तो गाइस हमारे सामने यहाँ पे हमारा वॉइस क्रिएट होके आ जाएगा। देखिए वॉइस को एडिट करना इतना कितना सरल तरीका है। तो गाइस मेरे भाई लोग अभी आप लोग मेरे लोग देख सकते कि मेरे सामने मेरा वॉइस गाइस एडिटिंग हो चुका है। तो गाइस मैं आपको एक बार इस वॉइस को सुना देता हूँ कि जिससे कि गाइस आपको विश्वास हो जाएगा कि हम लोग एआई वॉइस को कितना आसान तरीके में एडिटिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सुना देता हूँ अपने फोन का माइक निकाल के। एक जंगल में एक शेर और एक बकरी रहते थे। शेर हमेशा सोचता था कि वह सबसे शक्तिशाली है और कमजोर जानवरों को सताता था। एक दिन उसने एक बकरी को देखा और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। तो मेरे भाई लोग पता चल ही गया होगा कि हम लोग यहाँ से गाइस एआई वॉइस का रेटिंग कर सकते हैं। तो अब गाइस आपको करना क्या है, सिंपली आप लोगों को यहाँ पे एक मिलेगा डाउनलोड का ऑप्शन, तो इस पर आपको करना है इस तरीके से क्लिक। और जैसे कि गाइस आप लोग करेंगे यहाँ पे क्लिक तो आपका वॉइस यहाँ पे हो जाएगा अपने मतलब कि आपके गैलरी के अंदर सेव इस तरीके से करके। अभी देखिए गाइस यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे गाइस ये हो चुका है। अब गाइस इतना काम तो हम लोग कर लेंगे अपने स्मार्टफोन के मदद से। अब हर चीज भी करेंगे स्मार्टफोन की मदद से। आप लोग ऐसा नहीं समझिए कि हम लोग किसी पीसी या लैपटॉप का यूज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अब आपको करना क्या है, बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। तो बस आपको यहाँ पे स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को, सिंपली आप लोग इस तरीके से कीजिएगा प्ले स्टोर को ओपन तो कर सकते हैं। और गाइस आपको यहाँ पे करना है सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक, और यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे गाइस आपको लिखना है एनिमल इस तरीके से एनिमल, और फोर्सिंग यहाँ पे आ चुका है देख लीजिए एक बार अच्छे से। तो इस पर करना है क्लिक, तो आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन गाइस आ जाएगा। तो इसको आप लोग आराम से कीजिएगा डाउनलोड, और यहाँ पे इसको डाउनलोड कीजिएगा तो थोड़ा सा कर लेते हैं मोबाइल को इस तरीके से रोटेट, क्योंकि आप लोगों को अच्छा मतलब दिखने में हर चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो कर लिए हैं रोटेट, और इस तरीके से कर लेंगे हम लोग ओपन अपने मतलब कि एप्लीकेशन को। तो आप लोग ओपन कर लीजिएगा, और इसमें इतना ना आसान तरीका है ना कि अगर 5 साल का कोई बच्चा भी वीडियो को देख लेगा ना तो हम गारंटी देते हैं कि वो सीख जाएगा काइटो मोड उसको बनाना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट बार में मेरे पास एक शेर आ चुका है, जो शेर तो आ चुका है, लेकिन अगर आप लोग एनिमल को चेंज करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको यहाँ पे चेंज पे करना है क्लिक। देखिए आपको चेंज पे करना है क्लिक, और किसी इसमें
आपको बहुत ही सारा एनिमल दिखने को मिलेगा। देख लीजिए आपको बहुत ही सारा इसमें एनिमल दिखने को मिलेगा जिसके कि साथ आप अपने काइट मोड्स को गाइस बना सकते हैं। आपको इसमें बहुत ही सारा एनिमल मिलेगा तो आप लोग यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट बार मेरी कहानी में क्या है, शेर है, यहाँ पे देखिए चीता भी है, देख लीजिए चीता भी है, बहुत ही सारा इसमें आपको एनिमल मिल जाएगा जिसका कि यूज आप लोग अपने वीडियो में गाइस कर सकते हैं। तो अभी गाइस आप लोगों को पता हुआ कि मेरे कहानी में शेर था, तो शेर को लेंगे और कर लेंगे ऊपर अप्लाई पे क्लिक, अप्लाई पे कर लेंगे क्लिक। अगर गाइस हम इस शेर से कुछ भी करवाना चाहेंगे तो कैसे करवाएंगे, तो कर लेंगे यहाँ पे सिलेक्ट पोज पे क्लिक एक बार, ठीक है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे आइडियल ऐप पे क्लिक करना है तो आपका शेर इस तरीके से करने लगेगा। फिर यहाँ से आपको करना है रियल पे क्लिक तो इस तरीके से आपका सेल लग जाएगा। चलें रन पे करेंगे क्लिक तो ऑटोमेटिकल आपका सेल दौड़ने लग जाएगा। अटैक पे करेंगे क्लिक तो ऑटोमेटिकल मतलब कि किसी जानवर पे अटैक नहीं करता है, उस तरीके से आप लोग करवा सकते हैं। यहाँ पे आईडी मतलब कि डेट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकल सेल मर जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत ही सारा देखने को ऑप्शन मिलेगा जिसका कि यूज आप अपने मतलब कि जो भी आप लोग करवाना चाहेंगे मतलब कि सेल दहाड़ रहा है तो वो भी चीज़ आप लोग इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली मेरे मतलब कहानी में जो भी पार्ट है तो उसी को करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे वेल पे क्लिक, ठीक है। और सेल चलने लग जाएगा, अप्लाई पे कर लेंगे क्लिक और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से शेयर को कर लेंगे, इस तरीके से करके कर लेंगे और सिंपली यहाँ पे करेंगे फी एंड पे मतलब कि यहाँ पे करेंगे क्लिक, ठीक है, फैन पे, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे क्लिक और क्या करेंगे शेयर को यहाँ तक लेंगे, यहाँ तक लेंगे। अब गाइस आपको करना क्या है, सिंपली आप लोगों को करना क्या है, बहुत ही आसान है, बस आप लोग वीडियो को देखिए अच्छे से। आप लोगों को करना है बैकग्राउंड पे क्लिक एक बार अच्छे से देख लीजिए, बैकग्राउंड पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन पे करना है क्लिक तो ऑटोमेटिकल ग्रीन स्क्रीन नहीं होगा। तो हम लोग खुद का दिमाग कैसे लगाएंगे वो भी चीज़ तो करेंगे हम ही लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले बैकग्राउंड को करेंगे सिलेक्ट और इसका साइज पूरा इस तरीके से करके कर लेंगे बड़ा, ठीक है, बड़ा कर लेंगे और ऊपर कर देंगे अप्लाई पे क्लिक, अप्लाई पे कर लिए क्लिक। और इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे एक आई का ऑप्शन मिलेगा, देख लीजिए एक बार आई का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा तो इस पर करेंगे क्लिक, ऑटोमेटिकल इसके जितने भी स्टार पार्ट है वो दिखने को आपको मिला था ऑटोमेटिकल हट चुका है। तो अब गाइस आपको करने का है आप लोग इसका स्क्रीन रिकॉर्डर वाला आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, तो फिलहाल मैं इसका कर लेता हूँ। तो देन गाइस में इसका स्क्रीन रिकॉर्डर मैं कर लिया हूँ तो आप लोग भी अच्छे से कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको करना है कट इस तरीके से करके, तो कर लेंगे कट। आप गाइस क्या करेंगे, हम अपनी कहानी के हिसाब से बैकग्राउंड को डाउनलोड करेंगे। तो क्या करेंगे, सिंपली कर लेंगे, आपको एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी जिस एप्लीकेशन का गाइस नाम है यहाँ पे इमेज सर्च मैन, ठीक है। तो आप लोग इस एप्लीकेशन को आराम से कर लीजिएगा ओपन इस तरीके से करके। और यहाँ पे गाइस आपको करना है कि आपको यहाँ पे करना है क्लिक। अब गाइस आपको जिस भी टाइप का बैकग्राउंड आपको चाहिए कार्टून वाला गाइस आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ कार्टून, यहाँ पे लिखेंगे जंग, यहाँ पे लिखेंगे जंग और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जंगल, इस तरीके से करके लिखेंगे जंगल। और बैकग्राउंड देखिए यहाँ पे आ चुका है कार्टून जंगल बैकग्राउंड। तो आप लोग को आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही सारा कार्टून जंगल बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। तो अभी मुझे सबसे बेहतरीन ए वाला लग रहा है, ठीक है, ए वाला मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा और लिमिटेड मिलेगा मतलब कि कार्टून बैकग्राउंड, तो आपको यहाँ पे और भी मिलेगा बहुत ही सारा। तो आप लोग जिस भी मतलब कि बैकग्राउंड को अपने वीडियो में यूज करना चाहेंगे आप लोग उसको मतलब यहाँ से सेव कर लीजिएगा। तो मैं फिलहाल करता हूँ किसको मतलब जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं उसी का यूज करूँगा, तो करता हूँ इस पर क्लिक। मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है दिखने में, मतलब कि ये कुछ यूनाइटेड लग रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कर लेंगे यहाँ पे क्लिक, ऑटोमेटिकल काफ़ी आसान है, बस वीडियोस को देखिए मतलब कि डाउनलोड कंप्लीट एक बार और करेंगे, डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, ऑटोमेटिकल हो जाएगा 110% गारंटी देते हैं, ठीक है। तो कटाएंगे, आप करेंगे वोल्टा को ऑफ, काफ़ी आसान तरीके में सीख जाएंगे ऑफ, ठीक है। आप गाइस क्या करेंगे, कर लेंगे हम लोग काइन मास्टर को इस तरीके से ओपन। और गाइस ओपन करने के बाद क्या करेंगे, सिंपली कर लेंगे यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक, 16:9 को करना है सिलेक्ट और यहाँ पे करना है क्रिएट पे क्लिक। सबसे आसान तरीके में बताएंगे, और सबसे पहले कर लेंगे यहाँ पे इमेज, यहाँ पे इमेज पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे कर लेंगे ब्लैक पार्ट को एक एक्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे एक्सेप्ट। और सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कर लेंगे सेलेक्ट, यहाँ पे इसको कर लेंगे सेलेक्ट, फिर से लेयर पे आएंगे, मीडिया पे करेंगे क्लिक, फिर से ले लेंगे इस वाले बैकग्राउंड को ले लेंगे और इसको करेंगे इस तरीके से बड़ा। तो एनिमेशन हम लोग कितना अच्छे तरीके से करेंगे ना कि दिखने वाला ना पूरा कन्फ्यूज जाएगा, पूरा सॉफ्ट हो जाएगा कि आखिर एक कार्टून वो अपने स्मार्टफोन से कैसे बनाते हैं। और इसको यहाँ तक लाना है, यहाँ तक आपको लाना है। अब गाइस क्या करना है, हम लोगों को
हम लोगों को गाइस करना है यहाँ पे प्लस पे क्लिक, तो प्लस पे कर लेंगे हम लोग क्लिक और इसको कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से करेंगे हम लोग रोटेट इस तरीके से करके, तो देखिए कि मेरा ऑफी मतलब बैकग्राउंड कितना अच्छा एनिमेशन करेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए कितना बेस्ट मेरा बैकग्राउंड एनिमेशन गाइस करा है। तो आप लोग इस तरीके से कीजिएगा। आप गाइस आपको करना क्या है, सिंपली आप लोग अपने शेयर को लीजिएगा इस तरीके से करके, फिर से ही प्रोसेस आपको करना है और आप अपने शेयर को ले लीजिएगा जो भी आपका शेयर होगा। देखिए मेरा शेयर यहाँ पे, तो सॉरी गाइस यहाँ पे शेयर का कम पार्ट है, तो कट कर लेंगे और यहाँ से फिर से आएंगे और फिर से देख लेंगे एक बार यहाँ पे ये वाला, ठीक है। इसका मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर किया है तो इस यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे गाइस क्या करेंगे, क्रॉप पे करेंगे क्लिक। इसको इस तरीके से अच्छे से कर लेंगे हम लोग क्रॉप, जिससे कि हम लोगों को अच्छा लगे वीडियो में देखने को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर लेंगे क्रॉप और यहाँ पे इसको कर लेंगे। अब गाइस कर लेंगे हम लोग क्रोमा की पे क्लिक, इनेबल कर लेंगे ऑटोमेटिकल। इसके पीछे का जो भी ब्लैक पार्ट होगा मतलब कि मतलब ब्लू पार्ट, वो ऑटोमेटिकल हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा सिर आ चुका है, देखिए आप लोगों यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है। तो अब गाइस आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आप लोग जैसे कि प्ले करेंगे वीडियो को तो आपका सिर एक ही जगह पे चलेगा लेकिन आपका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकल चलेगा, ठीक है। तो लेकिन क्या करेंगे, इस पे करेंगे क्लिक और सिर को भी चला लेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे और फिर से प्लस पे करेंगे क्लिक और यहाँ से एनिमेशन कर लेंगे। यहाँ से इस तरीके से करके एनिमेशन कर लेंगे इस तरीके से करके। तो गाइस अभी तो इतना एनिमेशन हो चुका है। देखिए आपको यहाँ पे एक जंगल में एक शेर रहता था जो अपने आप को शक्तिशाली और पावरफुल मानता था, इसके कारण से वो छोटे मोटे जानवरों को परेशान करता था। तो गाइस आपको इतना तो समझ में आ गया, लेकिन आपको एक बात बताना भूल चुके हैं। तो ऑडियो पे करना है क्लिक, सॉन्ग पे करना है क्लिक और आप जिस भी कहानी के साथ अपना मतलब कि कार्टून को बनाना चाहेंगे आप लोग उस वाले कार्टून को देखिए, यहाँ पे है ऑडियो और करेंगे प्लस पे क्लिक, ठीक है। आप लोग सुन लीजिएगा एक बार, जो आपका होगा आप लोग उसी का यूज कीजिएगा, ठीक है। अब इस यहाँ पे आ चुका। अब आपको करने का, आपको स्टेप बाय स्टेप अपने कहानी को सुनना है और स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ से बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है और एनिमल क्रॉसिंग ऐप से हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशन को करेंगे हम अपने एक्ट्रेस को, जैसे कि जानवर जो भी जानवर है उसका हम लोग एनिमेशन करेंगे और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लाकर हम लोग एडिट करेंगे। तो आप लोग इतना काम तो कर लीजिएगा अपने स्मार्टफोन से। और इसमें तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस वाले वीडियो को समझ गए होंगे। मैं फिर से मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब लगे सीते हैं फिर वॉच करने, थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ इस बवाल तरीके से।